तो गाइज आप देख सकते हो ये बेनेली 250 TNT है। अभी इसका मुझे चेन निकालना है और इसका ऑन बे किट खोलना है, तो अभी मैं इसका खोलना स्टार्ट करूँगा। और फिलहाल तो अभी ये सॉकेट निकालना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे वो लॉक क्लिप लगा हुआ है, ये निकालने के बाद ऊपर अभी यहाँ एक सॉकेट है और वो निकालो टाई क्लिप। वायर को नीचे खींचो आराम से, देख सकते हो यहाँ आराम से निकालो ताकि ये फंसता है यहाँ पर तो फिर नीचे आ जाए सही से। ये कॉइल प्लेट का वायर है। अब भी आप इसको खोलो, हाफ कोर भी खोलिए, चेन भी निकालना है। ये आपको अभी मुझे ये चेन भी चेंज करना है, तो अभी ये आगे का भी खोलना चालू हो गया। तो मैग्नेट खुल चुका है जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, और उसके बाद अभी मुझे मालूम पड़ेगा कि इसका ऑन बे किट में ऑन बे किट गया हुआ है या कुछ बोल्ट लूज है, ये खोलने के बाद ही मालूम पड़ेगा। और एकदम आराम से निकालो ताकि पैकिंग ना फटे। ये छोटा सा गियर, जो गियर तो अच्छा है। अभी यहाँ पर अंदर देख सकते हो आप 5 नंबर की एक एलंकी बोर्ड लगा हुआ है, इसके वजह से मैग्नेट कवर नहीं निकलेगा। तो ये पहले खोलना है आपको, फिर आगे का मैग्नेट पल्ला निकलेगा। तो सो गाइस जैसे कि सब पूरा खुल चुका है, अब मुझे मैग्नेट पल्ला निकालना है। और इसके लिए मैंने एक स्क्रूड्राइवर का इस्तेमाल किया है। तो आप देख सकते हो ये मैग्नेट कॉइल है जो निकल गई है पूरी अभी। और अब मुझे मैग्नेट देखना है और इसका वन वे किट का जो आवाज़ आ रहा है उसके बारे में चेक करना है। तो ये गियर तो सब बराबर है, अब मुझे मैग्नेट खोलना है। और ये पैकिंग है जो बहुत ही कीमती है, इसे संभालना बहुत ज़रूरी है। गाइस जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये मैग्नेट खुल चुका है। अब मुझे इसे निकालने के लिए पुलर चाहिए और मैं देखता हूँ पुलर कौन सा है अपने पास जो मैच होके लगेगा।